हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं सुबह सुबह निकल गया था। और मैं कहाँ आया था, देखिए ये मेरा कॉलेज है राजदेव सिंह, इसी में आया था उत्कर्ष के साथ। कुछ काम था हमें, कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स के, इसीलिए हम लोग आए थे। और फिर मेरा कुछ प्लान है, अभी कहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देखने में। चलिए वहाँ चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, मेरा उत्कर्ष ये अनुराग, लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। कौन सा मूवी देखने जा रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। सिवान का सिनेपोलिस में, देखिए तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मूवी देखने। और कौन सा मूवी देखने आए, तो कश्मीर फाइल्स देखने आए। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए अभी हम लोग मूवी देख रहे थे, और अभी इंटरवल हुआ है यहाँ पे, और इंटरवल में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग अगला मूवी कौन सा देखने जाएंगे। चलिए बाहर निकल के आपको रिव्यू बताएंगे कि कैसा मूवी था ये। तो आपने देखा वो लास्ट सीन था मूवी कश्मीर फाइल्स का, और मैं देख के घर पे आ गया, उधर कुछ और दिखाया नहीं। काफ़ी अच्छा मूवी है, आपको जो नहीं जानता है कि कश्मीर में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 जब था तो उसमें क्या क्या मतलब कश्मीरी पंडित के साथ क्या क्या हुआ था, तो आपको देखना चाहिए ये मूवी। लोग ज़रूर जाके देखिएगा, काफ़ी जानकारी है इस मूवी में, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया रोल निभाया है सभी ने उस मूवी के कैरेक्टर्स ने। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए कश्मीर फाइल्स, काफ़ी अच्छा मूवी है, और देखिए उसके बाद आपको पता चलेगा कि कश्मीर में क्या क्या हुआ था। जैसे कि मिट्टू गया था द कश्मीर फाइल देखने के लिए हॉल में, यहाँ तो सिवान का ऐसा हॉल है कि अगर बेहतर से बेहतर भी मूवी हो तो यहाँ के थिएटर में बेकार ही हो जाता है। तो सिवान में कोई बढ़िया थिएटर है नहीं कि देख पाए हम लोग। हाँ एक है यहाँ पास में, पास क्या दूरी है, एकमा में। अगर भाई किसी को पता हो कि एकमा में लगा हो, मुझे काफ़ी देखने की इच्छा है ये पिक्चर हॉल में। मैं मोबाइल में देख चुकी हूँ लेकिन क्वालिटी सही नहीं था, डबिंग तो डबिंग ही होता है। तो कोई बताए मुझे कि एकमा हॉल में लगा है तो मैं भी जाकर देखूँ। और मिट्टू दोबारा देखेगा, बिल्कुल भी देखना चाहेगा। और हाँ एक चीज़ और, मिट्टू बिना खाए पिए गया था। ऐसा नहीं है कि मिट्टू खाता है तो तकलीफ़ होता है, नहीं खाता है तब भी तकलीफ़ होता है, इसीलिए इसका मुंह सूख गया है आज। दो टाइम की वजह एक ही टाइम खाया है। हाय, और आज का ब्लॉग तो मिट्टू शुरू कर दिया है सुबह ही, और मैं रात के खाने में अंडा कढ़ी बनाने जा रही हूँ। अब आप भी सोचेंगे कि इतना गर्मी में अंडा कढ़ी, तो बिहार में कहता है लोग कि लोहे लोहे को काटता है, तो मैं भी, लेकिन मेरा आज मन था, ना मिट्टू का मन है ना विपुल का मन है, लेकिन मुझे खाने का मन है, इसीलिए आज अपनी इच्छा के लिए अंडा कढ़ी बना रही हूँ। और अब ये मैं डिश कैसे बना रही हूँ ये नहीं बताऊँगी, आज मेरा मूड नहीं है दिखाने का अंडा कढ़ी कैसे बन रहा है, सिंपल तरीके से बनाऊँगी, लेकिन हाँ बनाऊँगी और खाऊँगी तब ज़रूर दिखाऊँगी। हम लोग खाने बैठ गए हैं, मेरा अंडा कढ़ी बन के तैयार हो गया है, मैं अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, कभी मैं इसका रेसिपी भी बताऊँगी, आज नहीं बता पाई मैं। और सब खाने बैठ गए हैं, इसमें दो तरह का अंडा दिख रहा है, फ्राई वाला हम श्रीवास्तव जी खाएँगे, ये वाला विपुल और मिट्टू खाएगा, फ्राई वाला नहीं खाते हैं। और हमारा अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, ये लाल लाल कलर का जो बटन है
उसको दबाएं और बेल आइकन बटन दबाएं और मेरे चैनल का हिस्सा बन जाए। और एक नए ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।